हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 में साइंस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के, उसी क्रम में आज आगे पढ़ते हैं ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ये आपका 8 है और ये का 9 है। देखते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोला जाता है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, यानी इसमें से सबसे पहले ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, अर्थात ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें से ऊष्मा निकलती है या उत्सर्जित होती है, ऐसे आप कह सकते हो। उदाहरण में देखिए, जब कार्बन को वायु के साथ, यानी कार्बन जब वायु के साथ जलाया जाता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और अभिक्रिया में 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है या ऊष्मा निकलती है, इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी एक ऊष्मा क्षेपी से तात्पर्य है कि ऊष्मा निष्कासित हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। समीकरण, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ये आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं समाप्त हुआ। आगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहा जाता है। ऊष्मा शोषी, शोषी से ही तो समझ में आ रहा है, अवशोषित करने वाला या शोषित करने वाला, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इसके उदाहरण है N2+O2+42 किलो कैलोरी ऊष्मा, यानी 42 किलो कैलोरी ऊष्मा लगती है और 2NO यानी 2NO बनता है, यानी नाइट्रोजन, जब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वातावरण में उपस्थित होती हैं परंतु क्रिया नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जब इनमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, यानी जब इसको 42 किलो कैलोरी ऊष्मा मिलती है तब इसके साथ क्रिया करके, यानी 2NO यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी नाइट्रोजन वातावरण में वायु से ना क्रिया करता है, जब नाइट्रोजन और वायु को 42 किलो कैलोरी ऊष्मा मिलती है या 42 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करते हैं तब NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों की, यानी अभिक्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनने की क्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। अर्थात जब इसी समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं N2+O2 2NO-42 किलो कैलोरी ऊष्मा, यानी यह क्रिया में +94 किलो कैलोरी ऊष्मा यानी निकलती है और इसको 42 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा की जरूरत होती है, अर्थात फिर समझते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा अवशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी अवशोषी या शोषी से तात्पर्य है शोषित, यानी ऊष्मा को लेने वाली, ग्रहण करने वाली, यानी N2+O2 यानी नाइट्रोजन वायु के साथ 42 किलो कैलोरी ऊष्मा को लेकर के
नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं समाप्त हुई। इसी क्रम में आगे उपचयन ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, यानी उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है तथा अपचयन अभिक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे। उपचयन यानी उपचयन को ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन रिएक्शंस बोला जाता है, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। उपचयन क्या होता है? उपचयन देखिए, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में O2 की वृद्धि को उसका उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं तथा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी को अपचयन कहते हैं। अगर आपसे उपचयन ही पूछा जाता है या ऑक्सीकरण ही पूछा जाता है तो आप इतना लिखोगे, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि को उसका उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर आपसे परीक्षा में अपचयन पूछा जाता है तो आप लिखोगे, किसी पदार्थ में यानी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी को अपचयन कहते हैं। यानी अगर पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसे अपचयन कहेंगे। और इसके उदाहरण देखते हैं, उपचयन अभिक्रिया का पहले उदाहरण दिया गया है, यानी कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है जहां पर कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, अर्थात इस अभिक्रिया में क्या होता है कि CO यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह क्रिया क्या हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी CU का CuO में उपचयन ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी यहां पर क्या था, CU था, लेकिन यहां पर O का वृद्धि हो रहा है, यानी O की वृद्धि हो रही है, यानी CU का CuO कॉपर ऑक्साइड में उपचयन ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए यह समीकरण ऑक्सीकरण समीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और इसी प्रकार दूसरी अपचयन अभिक्रिया, यानी अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि जब यह उदाहरण है अपचयन अभिक्रिया का कि ZnO यानी ZnO जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तब Zn और Cu CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है कि Cu का Cu में जो है O की कमी हो रही है, अर्थात घट रहा है सी नहीं सी में जो है ओ की वृद्धि हो रही है, ऐसी सी में ओ की जो है कमी हो रही है। देखिए यहां पर ZnO प्लस सी, सी में ओ की कमी हो रही है और Zn बनता है और ओ ये वाला ओ के साथ सी के साथ चला जाता है, यानी ZnO का Zn में अपचयन हो रहा है, अर्थात यहां पर जो है O की कमी हो रही थी सब क्रिया में, इसलिए यहां पर यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अर्थात आप देख सकते हो कि इस अभिक्रिया में ZnO का Zn में अपचयन हो रहा है, यानी जिस अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे कहेंगे अपचयन, और ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगी तब उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहेंगे। यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और यहां पर कमी हो रही है, इसलिए ZnO का Zn में अपचयन हो रहा है। इस प्रकार ये उपचयन ऑक्सीकरण समाप्त हुआ। उसी के आगे दसवीं, उसी प्रकार में रेडॉक्स अभिक्रियाएं, यानी इसके पहले हम लोगों ने अपचयन यानी उपचयन और अपचयन के बारे में पढ़ा था, अब उसी के आगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं दोनों होती हैं, या आप ऐसे कह सकते हो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं
यानी उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण देखिए, यानी जड़न हो जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो जड़न प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसमें जड़न का अपचयन यानी जड़न O का अपचयन जड़न में हो रहा है। अर्थात हमने अपचयन में पढ़ा था कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, अर्थात इधर जड़न O है और इधर O की कमी हो रही है, यानी जड़न हो रहा है, जड़न O से जड़न हो रहा है, इसलिए जड़न O का जड़न में अपचयन हो रहा है। और उपचयन में पढ़ा था कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी C से CO बन रहा है, यानी कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, इसमें उपचयन हो रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो लिखेंगे कि जड़न O का जड़, इस अभिक्रिया ऐसे लिख सकते हो, इस अभिक्रिया में जड़न O का जड़न में अपचयन और C का यानी कार्बन का CO कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। अर्थात फिर देखते हैं, फिर से रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं या साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण, जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके जेडन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जिसमें से क्या कहेंगे, जेडन ओ का अपचयन जेडन में हो रहा है और कार्बन का उपचयन यानी ऑक्सीकरण कार्बन मोनोऑक्साइड में हो रहा है। तो इस नीचे लिखेंगे, इस अभिक्रिया में जेडन ओ का यानी जिंक ऑक्साइड का जेडन में जिंक में अपचयन हो रहा और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार आज अभिक्रियाओं के प्रकार समाप्त हुए।